चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए सबसे पहले हमें पनीर के बड़े बड़े पीसेस कट कर लेने हैं। अब हम एक बाउल में मैदा और कॉर्न स्टार्च या अरारोट के इक्वल प्रोपोर्शंस डाल लेंगे। इसी के साथ 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है और वाटर ऐड करके एक फाइन बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना, इसको हमें अच्छे से विस्क करना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। अगर आप एकदम क्रिस्पी चिली पनीर चाहते हो तो थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च पनीर पे भी स्प्रेड कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम पनीर को मैदे वाले बैटर में डाल लेंगे। अब हम पनीर को वेजिटेबल ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। इसमें ध्यान रखना, ऑयल गर्म होना चाहिए, अगर ऑयल ठंडा हुआ तो आपके पनीर सॉगी हो जाएंगे। अब हम जिंजर और गार्लिक को फाइनली चॉप कर लेंगे, जिससे एक बहुत अच्छा टेस्ट और फ्रेग्रेंस आएगी। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो सबसे पहले उसको रोस्ट कर लीजिए, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है। इसी के बाद मैं डाल रहा हूँ अनियंस और कैप्सिकम। वेजेस को हम थोड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे हमें रेस्टोरेंट लाइक टेक्सचर मिलेगा। वेजेस को थोड़ा टॉस कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे जिंजर और गार्लिक। इसी के साथ डालना है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हो तो रेड चिली पाउडर अवॉइड भी कर सकते हो। इसके बाद हम डाल लेंगे सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप एंड विनेगर, जिससे एक बहुत ही अच्छी और टैंगी ग्रेवी बनेगी। फाइनली हम पनीर के पीसेस को भी डाल लेंगे और टॉस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें पनीर ज़्यादा भी टॉस नहीं करना है, उससे पनीर टूट सकता है। दो से तीन मिनट में हो गया हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर तैयार। आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई ज़रूर करना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।